मीडिया का उपयोग कोई अच्छे काम के लिए करता है तो कोई बुरे काम के लिए। बजाज नगर के एक मामले में आरोपी ने यूट्यूब का उपयोग चेन स्नैचिंग कैसे करते हैं यह सीखने के लिए किया। सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि उसने चेन स्नैचिंग भी की। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बजाज नगर पुलिस स्टेशन की हद में फिरियादी प्रेमा जामकड़े जब मॉर्निंग वॉक करी थी तब आरोपी कुणाल वडवाले जो फिलहाल पांड्रा बोड़ी में रहता है उसने हाथ सफाई दिखाते हुए महिला की गले से चेन उड़ाई। महिला ने घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को ढूंढ निकाला है। 31/10/2023 को एक दोपहर में 3:15 बजे के करीब पुलिस स्टेशन बजाज नगर के एरिया में एक सुरेंद्र नगर है वहाँ पे एक 47 ईयर की एक महिला अपनी कॉलोनी में पैदल जा रही थी। घर के नज़दीक से जाते वक्त एक आरोपी पीछे से आया और उसने उनके गले का जो मंगलसूत्र था वो छीन के वो भागा था। बाद में आगे जाके मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल गया था। वो लेडी को उसके बारे में वो कुछ ज़्यादा देख नहीं पाई थी, बट उसने जो शर्ट का कलर था वो पुलिस को बताया था। फिर उस आधार पर हमने आगे की फुटेज वगैरह चेक की, सीसीटीवी वगैरह और जो भी हमारे पास में गोपनीय इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर हमने आरोपी को धर्मपेट से ताबे में लिया है। आरोपी का नाम है कुणाल विठल भाई वडवाले। वो रहने वाला है कारंजा लाड जिला वासिम का, लेकिन पिछले 8 दिन से वो यहाँ पे पांड्रा बोड़ी में नागपुर में आया था। एक दोस्त के यहाँ रह रहा था और काम की तलाश में था। उस टाइम उसने जो यूट्यूब पे देखा तो उसको चेन स्नैचिंग कैसी की जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन मिली और उसके आधार पर उसने एक गुनाह किया है ऐसा उसने अपने पास इंटरोगेशन में बताया है। और वो जो मंगलसूत्र था वो उसने लेने के बाद में मनप्पुरम गोल्ड लोन में गिरवी रखा और वहाँ से 47,000 कर्ज लिया था और उस पैसे उसने खर्च किए, जैसे मोबाइल लिया, कुछ कपड़े लिए तो वो मोबाइल वगैरह वो अपने जब्त किए हैं। और जो उसने गाड़ी यूज़ की थी वो उसकी एक दोस्त की थी और वो गाड़ी अपने गुने में जब्त की। इस मामले में खास बात यह है कि आरोपी कुणाल यह मूलतः वाशिम जिले का रहवासी है। वहाँ काम न होने की वजह से वह नागपुर अपने दोस्त की तरफ रहता था जहाँ मोबाइल में उसने ये सब सीखा और मामले को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।